जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना, आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बैल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 26 तारीख से नवरात्रे लग रहे हैं और 4 अक्टूबर को नवमी है और 5 तारीख का दशहरा है। और शुभ मुहूर्त, जिस समय कलश स्थापना करनी है उसका शुभ मुहूर्त जो रहेगा 26 तारीख की सुबह 6:11 से लेकर के 7:51 तक, और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:48 से 12:36 तक। शुभ समय पर जब हम काम करते हैं, शुभ समय पर संकल्प करते हैं तो वो सीधा कनेक्शन जो है यूनिवर्स से लगता है। और इस बार सोमवार से नवरात्रे लग रहे हैं और माँ भगवती कैलाश पर्वत से हाथी पर आ रही हैं। हाथी स्टेबिलिटी का प्रतीक है, हाथी ज्ञान का प्रतीक है, हाथी सुख और समृद्धि पीस का प्रतीक है। तो इस बार जिनके काम अभी तक नहीं हुए हैं, इस बार माँ भगवती से सच्चे मन से प्रार्थना करिए। और माँ के सामने, जैसे हम बच्चे अपनी माँ के सामने जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है जब उनसे हम कहते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, माँ हमारी सॉल्व करती है, तो उसी तरीके ये तो जगत जननी है। जितनी श्रद्धा के साथ में, जितने आप विश्वास के साथ में उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना होगी। और इस बार आपको मैं एक यंत्र दे रही हूँ, उस यंत्र को बनाइएगा। हमारे पास में ही बहुत शक्तियाँ हैं, हमारे पास में ईश्वर ने सारी ब्रह्मांड की जितनी शक्तियाँ हमारे को दे करके भेजा है। तो इस बार इस यंत्र को आप बनाइए और यंत्र की साथ में आपने इसकी पूजा अर्चना सच्चे मन से करनी है। उसके बाद में इस पेपर को या आप कपड़े पे बना लीजिए या पेपर पे बना लीजिए, उसको आपने लैमिनेट करा करके या तो आप अपने वर्क प्लेस पर रख सकते हैं या फिर आप अपने घर के जहाँ पे आप कैश रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। और बच्चों के लिए भी आप उनकी साइड टेबल पे भी रख सकते हैं, उनके स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल, जो मैं आपको बताने के लिए आई हूँ, बहुत पावरफुल मंत्र है। इसको आप बना करके अपने जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, अपने जीवन के अंदर खुशियाँ लेकर के आ सकते हैं। पूजा पाठ का आपको पता ही है किस तरीके से कलश स्थापना करनी है, समय मैंने आपको बता दिया है, किस तरीके से खेती करनी है, किस तरीके से माँ को सजाना है, और जो कलश है उसके अंदर सुपारी और लौंग और साथ में एक सिक्का डाल उसके अंदर कलश के अंदर डालना है। अब बात आती है, ये तो सब चीज़ें हैं, पूजा अर्चना जब तब सब चीज़ें करनी हैं और साथ में आपने फल मिठाई और पंचमेवा ये सब चीज़ें हम माँ को अर्पित करते ही हैं और सच्चे दिल से। और कोशिश करिए, सिर्फ हवन ज़रूर करिएगा, जैसे मैं तो सारी चीज़ें ही करती हूँ लेकिन हवन तो मैं रोज़ ही करती हूँ, तो हवन ज़रूर करिएगा। उसके अंदर कमल गट्टे के साथ में घी बूरा मिला करके कमल गट्टे ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाए विचे, इसका 9 बारी या 11 बार इसका हवन करने से एक तो घर की शुद्धि होती है, साथ में हमारे अंदर हमारे विचार सात्विक होते हैं और जो भी हमारी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। अब मैं आपको जो एक स्पेशल चीज़ बताने के लिए, उसको आपने करना है कि यंत्र को कैसे बनाना है। उस यंत्र को बना करके आप खुद देखेंगे कि कितना चेंज आया है उसको बनाने में। अब आपने यंत्र कैसे बनाना है, एक गोल रंग का गोल जो है आपने घेरा बना लेना है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये घेरा आपने बनाना है, ये घेरा बना लिया। उसके बाद में स्क्वायर बनाना है आपने इस तरीके से, ये देखिए ऐसे इस तरीके से आपने स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बना करके ये देख लीजिए एक बार, ही आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब स्क्वायर बना करके आपने सबसे ऊपर लिखना है 847, सबसे ऊपर लिखना है 847, और ये जो खाने हैं इनके अंदर आपने 520 520 520, ये देखिए 520 520 520, सबसे ऊपर आपने लिखा 847, उसके बाद में 520 520 520। अब बीच में आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आपने श्रीम ब्रजी, श्रीम ब्रजी ये आपने ऊपर यहाँ लिखना है, श्रीम ब्रजी। अब यहाँ पर आपने जिसके लिए आप कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम लिख दीजिए,
आपको अमाउंट की ज़रूरत है, अमाउंट लिख दीजिए। आपको सक्सेस की ज़रूरत है, सक्सेस लिख दीजिए। जॉब की ज़रूरत है, जॉब लिख दीजिए। ये आपने इस तरीके से आपने बना लिया, ठीक है। अब इसको बनाने के बाद में यहाँ पर हमारे को चाहिए होगा इत्र, चाहिए होगा गुलाब का इत्र चाहिए होगा। इस इत्र को आपने हल्का सा, मतलब ये जो ख़राब ना हो, सिर्फ़ आपने जैसे रुई के अंदर इत्र लेकर के ना हल्का सा यहाँ पर आप टच करा दीजिएगा इस कागज़ के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर गुलाब के पत्ते जो हैं, इसके गुलाब के जो फूल हैं वो साइड में लगा दीजिएगा, बीच में मत, वरना ये आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने अब माँ भगवती के सामने रख दिया। अब आपने 324 टाइम जो है आपने श्रीम ब्रजी, और जिस समय श्रीम ब्रजी आप जो मंत्र है ना, बीज मंत्र, बहुत पावरफुल मंत्र है, और ख़ासकर ये मनी के लिए तो बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इसको करने के बाद में आपने जब श्रीम, तो श्रीम को आपने ऊपर तक लेकर के जाना है, और फिर ब्रजी, इस तरीके से आपने इस मंत्र का जाप करना है। आप इसको करने के बाद में 9 दिन आपने लगातार करना है। और समय क्या है, समय आप एक ही समय चूज़ करिए, या तो ब्रह्म मुहूर्त में करिए, या फिर रात को 10 बजे के बाद करिए, या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, मतलब 5 बजे से पहले करिए। अब सोमवार है तो उस दिन तो शायद आपका नहीं हो पाएगा, बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा, तो आप शाम के समय 10 बजे के बाद में कोशिश करिए कि अगर लाल कपड़े पहन करके आप, या लाल चुन्नी लेकर के अगर आप इसका करते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। इसको आपने किया, उसके बाद में 9 दिन ऐसे ही रहेगा। इसके ऊपर आपने रोज़ाना थोड़ा सा इत्र लगा दिया, जो जल अखंड जो जली रही है वहाँ पर बैठ कर के स्फटिक की माला से आपने इसका जाप करना है। ये इतना मैजिकल काम करेगा, इतना मैजिकल काम करेगा, क्योंकि बहुत सारी एनर्जियाँ इसके अंदर होंगी। उसके बाद में आपने इस कागज़ को नौमी वाले दिन जब आप कढ़ाई कर लेंगे, अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजती है तो अष्टमी पूज लीजिए, लेकिन नौमी तक आपने ये करना है। उसके बाद में आपने लास्ट वाले दिन एक छोटा सा हवन करना है, आपने 11 मंत्रों का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, कमलगट्टे बूरा पंचमेवा मिलाकर के उसका आपने हवन करना है। करने के बाद में आपने इस कागज़ को अपने पास रख लेना है। इस कागज़ को आप अपने, जो मैंने आपको बताया, आप अपने पर्स के अंदर रख सकते हैं, आप इसको अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, आप इसको अपने वर्क प्लेस के ऊपर रख सकते हैं। आप देखेंगे कि अनएक्सपेक्टेड धन, कहीं ना कहीं से पैसे का आगमन आपके जीवन के अंदर आना शुरू हो जाएगा। आप इसको करके देखिए, पूरा विश्वास के साथ में करिए, और करने के बाद में आपको क्या रिज़ल्ट मिला है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरा यकीन है माँ भगवती आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी। ईश्वर माँ भगवती आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। जय श्री राम।